मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मान लो ऊपर की तरफ है, और एक चार्ज पार्टिकल ये आया ऐसे, ये रहा वेलोसिटी इसकी, मान लो वी वेक्टर है चार्ज पार्टिकल की, कैसे एंटर कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, जीरो, क्योंकि ये इनिशियली ऐसे मूव कर ही नहीं रहा था, जीरो। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, वी। तो हमने प्रूव करना है कि पाथ फॉलोड क्या होगा, पैराबोलिक। तो इसके लिए मान लो टी टाइम में पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर किया एक्स, और वर्टिकल में डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, वाई। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो अगर मैं इक्वेशन एक्स एक्सिस में लगाऊं, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां मिलेगी पार्टिकल को, ऊपर, कितनी, क्यू ई बाय एम। तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन कहां मिलेगी, ऊपर, कितनी, क्यू ई बाय एम। क्या पॉइंट क्लियर है? तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन ऊपर है, तो आप इक्वेशन एक्स एक्सिस में क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी टी। तो एक्स डिस्टेंस है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है इसमें, वी, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, सिर्फ वाई में, एक्स में कुछ भी नहीं है, तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। और जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू वी टी, तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी, और टाइम क्या आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय वी। और अगर आप बात करते हैं वाई एक्सिस की, देखो तो वाई एक्सिस के ऊपर आप अप्लाई करें एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर। जीरो क्यों, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाई में क्या है, जीरो। पार्टिकल ने वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है y एक्सिस में, क्यू ई बाई एम। और टाइम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये रहा कितना, x अपॉन v का होल स्क्वायर। तो साफ पता लग रहा है कि y किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर। और अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो पाथ फॉलोड इज पैराबोलिक इन नेचर। ये मैथमेटिकल क्या हो गया, इसका प्रूफ।